ओए 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 ओए, गिरा 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 भैया। ऑफ रोड है भाई, बहुत ही मुश्किल जो चढ़ाई है 500। देखो कैसे चढ़ रहा है, चढ़ गए ब्रो। चलो, अरे चलो, चढ़ गए। फिर तो उठा लिया ऐसे। रोडी ऐसा, इस साइड है चंद्रताल, इस साइड 10 किलोमीटर। क्या रोड है भाई, खड़ा खड़ा बाइक गिर जा रहा है ऐसे ना, ऐसे प्लेन नहीं है, ऊबर खबर ऐसा ही रोड है। इस साइड से सीधा 10 किलोमीटर जाने से हमें मिल जाएगा चंद्रताल लेक, और ये रहा चंद्रताल का एंट्री पॉइंट। ऐसे यहीं तक आए हैं तो चंद्रताल भी देख के आते हैं। वाटर क्रॉसिंग ऐसा आ गया, पता नहीं चल रहा कितना गहरा है। अच्छा बस छोटा सा ही था। कंडीशन देखो क्या है, क्या बुरा हालत है, रोड बिल्कुल ख़त्म है, और यहाँ से जो पानी आ रहा है ना बिल्कुल वाइट, ये रोड के नीचे से आ रहा है और ये पानी आ रहा है ऊपर से। क्या लग रहा है मस्त वाइड वाला, मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको। बस यहाँ से देख लो क्या सीन है, गजब का। ये नीचे से पानी जा रहा है ना, रोड के नीचे से वहाँ से निकल जा रहा है। बस यहाँ से कितना खाई है देखो, अगर एक बार यहाँ से नीचे गिर गए ना तो खेल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पीछे से आ रहा था, पिछले वाला ब्लॉग में आप देखे हो जो रिवर आ रहा था हमारे साथ साथ, क्या मैला पानी है देखो। वहाँ पर तो साफ था, वहाँ तक जाते जाते फिल्टर हो जा रहा है पानी। चंद्रताल और थोड़ा सा ही बचा है, आगे जाके हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन रास्ता जो था वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही हार्ड, क्या बताओ। फिर से क्रॉसिंग हमें मिल गया, जबरदस्त वाला वाटर क्रॉसिंग। देखो कितना तक पानी है, और बस यहीं पर 1-2 किलोमीटर में चंद्रताल आ जाएगा। बेस कैंप तो पास में ही है, महादेव का नाम लेके ये भी क्रॉस कर लेते हैं। हर हर महादेव। बस पानी का बहाव, वो क्या 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 क्या, ओए यार तेरी, ओ तेरी। गिरने ही वाला था यार। हो भगवान, अब मैं गिरने ही वाला था, जितना ताकत है उतना ताकत लगा दिया भाई, सांसें फूल गए। और यही रास्ते से फिर से वापस भी जाना होगा 10 किलोमीटर। ऊपर कोई लेक वगैरह है? अच्छा, सर नीचे जाने का ताकत नहीं है। नीचे? बाइक से उतरने का। क्या नाम है? गाजा से आ रहे हो? नहीं नहीं हम लोग तो उस साइड से आ रहे हैं, मनाली से। ओके 95। ओके थैंक यू सर। ज
जहाँ पर रस्सी लगा हुआ था वहाँ पर एंट्री करना पड़ा हमें, और एंट्री में एक नंबर दिया जाता है जो वापसी आने का टाइम बताना होगा, नहीं तो आपको फाइन लग सकता है। ऐसे बेस कैंप तो सबमिट कर लिया है, बस लेग देखना बाकी है। तो वही सोच रहा हूँ, पीछे हमारे दो भाई है, बहुत ही पीछे रह गया है, उनको आने दो, फिर डिस्कस करते हैं जाना है कि नहीं जाना है। बाइक का हालत तो खराब भाई एकदम। ओए 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 ओए, पीछे 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 माता, पीछे माता, पीछे माता, ऊपर जाइयो, पावर लगाओ, पावर लगाओ, जाओ 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 ऊपर। लगाओ पावर, ओए 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 ओए, गिरा 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 भैया, गिर गया। वो हेवी रिस्की हो गया भाई, गिरने ही वाला था। क्या थोड़ा धक्का लगा दो, थोड़ा धक्का पुश कर दो। जो चढ़ाई है ये बस यहाँ पर रुकना नहीं है, मैं इस साइड से निकल जाता हूँ। आके हम पहुँच गए चंडताल के ठीक आगे, यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रेक है, और ये कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको दिखा पाऊँगा चंडताल लेक। अरे भाई ये तो बीएम वाला आ गया सामने एक। अभी है कि हमें हिम्मत नहीं बचा है, इतना टापेस्ट राइड था पीछे, वो करके आए, फिर बाइक रखा, और अभी भी 1 किलोमीटर का ट्रैक है भाई। पर ट्रैक के लिए होता है अलग प्रिपरेशन, और बाइक छोड़ के राइडिंग गियर में, ये गियर की वजन कितना है बताओ, जैकेट का, पैंट का, राइडिंग बूट का, और चलो भाई साहब तो ट्राउजर में है, स्पोर्ट्स शू में है, बाकी तो हप चुके हुए, एकदम सांस फूलने लगा हमारा। इस टाइम हमारे पास कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हम खाली आते हैं, बस जा रहे हैं, सोच ले अभी जाना है तो बस निकल पड़े, कोई प्रेपरेशन नहीं किया था किधर साइड जाएंगे, और अब हमें ये भी हो रहा है जितना जल्दी पहुँचे उतना अच्छा है, बाकी देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। किस भाई साहब तो पीछे आ रहा है हमारे एक साथी, धीरे 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 पर्सनैलिटी, एक बार हाथ उठाओ ऊपर, बस ठीक है, ठीक है भैया, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे हम लोग, जाते हैं ऐसे सकल से तो पूरा गया सब कुछ, तेज धूप है, बाइक चला रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से, धूल धूल मिट्टी, बस अभी बचा है थोड़ा सा डिस्टेंस, ये हमको कवर करना है, फिर आपको दिखा पाऊँगा चंद्रताल लेक। और पहले के हमारा माइंडसेट नहीं था चंद्रताल करेंगे, लेकिन जब सामने रास्ता आ गया तो सोचा इतना दूर आए हैं, 1000 किलोमीटर दूर, 2500 के ऊपर, 2900, तो चंद्रताल देख के जाते हैं क्या है उसमें, थोड़ा मुश्किलें उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको तो दिखा पाएंगे ना, इसी बात पे एक लाइक, कमेंट्स और शेयर तो होना चाहिए, है ना। हमको देखने को मिल गया है चंद्रताल लेक, क्या कलर है भाई, ये कौन सा ग्रीन है, ग्रीन कलर का है ना, स्काई ब्लू कलर का, और पानी जो है ग्रीन कलर का, ये मुझे बहुत खास लगा। चलिए चलना है कि नहीं, चलना है, बिल्कुल चलना है भाई, और मेमोरी भी कैप्चर करना है, आपको भी दिखाना है, तो फिर वहाँ पर जाते हैं, पास से आपको लेक दिखाते हैं, और थोड़ा चील मरेंगे वहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किलें उठाए, बहुत लंबा ट्रैक हो गया ये जैकेट वैकेट पहन के।
तो बस कुछ ऐसा ही रोड है चंद्रताल का, लेकिन यहाँ आके जो व्यू मिला ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और जब भी मैं कैमरा घुमाऊँगा ना आप देख पाओगे क्या गजब का सीन है। बस 1, 2, 3 ऐसे पता नहीं मुझे कि ऑडियो ठीक तरह से आएगा कि नहीं। अगर ऑडियो सही तरह से आता है तो पहले हम बाइक जब छोड़ के आए ना ये जहाँ पर जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है तो हमें लगा था मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा देर इंक्लाइन आने के बाद ही डिक्लाइन चला गया, फिर नॉर्मल सा रोड नहीं है बस चलने लायक है। और पीछे जो है आप देख सकते हो भाई चंद्रताल लेक कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। और सबसे जो अच्छा चीज़ यहाँ पर है देखने लायक वो है लेक तो है ही, साथ में स्काई कलर और पानी का कलर जो है डिफरेंट है, एक ही फ्रेम में 2 कलर आ रहा है देखो, ब्लू और ग्रीनिस्ट, क्या गजब है नेचर का क्या खेल है भाई।